मॉर्निंग एवरीवन, यस मॉर्गन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज पुनः हम अपनी हिंदी की कक्षा में फिर एक नया विषय, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आज हम अपनी हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और हिंदी व्याकरण में हम लोग अपनी जो पेंसी बुक है उसका सेमेस्टर टू का जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और सेम टू में हमें एक विषय दिया है पर्यायवाची शब्द, है ना। पेज नंबर आप देख लीजिए, आपका है 138। उस पर आपको दिए गए हैं, बहुत सुंदर से चित्र दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पर्यायवाची शब्द को पढ़ चुके। लेकिन ग्रामर के रूप में, व्याकरण के तौर पर आज हम उसको बाकायदा एक विषय, एक पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर तीन चित्र दिए गए हैं। एक ये चित्र आप अगर ध्यान से देखें तो आप पहचान गए, ये हमारी आंख है। ये जो सेकंड वाला चित्र है इसे अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई एक फूल है। और जिन लोगों को पहचानना आता होगा वो भी समझ लेंगे कि ये कौन सा फूल है। बहुत सारे बच्चे वहां घर से बोले, मैम ये तो कमल का फूल है। और ये कौन है सुंदर से प्यारे से स्माइल करते हुए हम सबके प्यारे मामा, कौन है ये? मैम ये तो चंदा मामा है, है ना, सबको पसंद है चंदा मामा। तो आखिर ये तीन चित्र हमें दिए गए हैं, लेकिन अभी अगर हम साथ में होते तो आप तुरंत अनुभव करते कि सभी बच्चों ने एक जैसा जवाब नहीं दिया है। चित्र को देखकर सबके मुंह से कुछ अलग अलग शब्द निकले होंगे। किसी ने कहा होगा मैम ये नेत्र है, कोई कहेगा मैम ये नयन है, किसी ने कहा होगा अक्षी है, कोई कहेगा लोचन है, और नॉर्मली आप लोग उसे आंख कहते हैं। उसी तरह ये सिर्फ कमल नहीं है, क्योंकि ये जल में होता है तो जलज भी कहलाता है, पंख के बीच में होता है तो पंकज भी कहलाता है ना। तो जब ऐसा अलग अलग नाम हो तो क्या वो वस्तु या व्यक्ति बदल जाता है? होता है क्या ऐसा? बोलिए, नहीं वो तो नहीं होता है मैम, क्योंकि वो वस्तु या जो व्यक्ति वो तो वही रहेगा ना, वो कैसे चेंज हो सकता है? हाँ, उसकी विशेषताओं के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, उस वस्तु या व्यक्ति की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके आधार पर उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह रहेगा तो वही का वही एक ही रहेगा ना। यदि साधारण सी बात है, आप मुझे देख लीजिए, है ना। अगर रिश्तों में देखूं तो मैं अपने बच्चों के लिए मम्मी हूँ, आपके लिए टीचर हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं उनकी बेटी हूँ, है ना, किसी की भाभी हूँ, किसी की बहन हूँ। तो क्या मैं बदल गई? सबसे मेरा अलग अलग रिलेशन है, तो वो मुझे उस नाम से या उस रिलेशन के हिसाब से पुकारते हैं, लेकिन इंसान के तौर पर तो मैं एक ही व्यक्ति हूँ ना। उसी तरह से जैसे आप घर में छोटे थे, है ना, जब आप जैसे आपका कोई नामकरण नहीं हुआ था, आप स्कूल नहीं आते थे, और अभी भी देखिए आपके पड़ोसी आपको किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन घर पे मम्मी किसी और नाम से पुकारती है ना। आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको किसी और नाम से पुकारते होंगे, दादी दादू तो प्यार से और अलग ही नाम से पुकारते होंगे। तो वो सब लोग आपको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो क्या आप बदल जाते हो? आप तो वही रहते हो ना, बस सबके अपने अपने नाम लेने का तरीका अलग है, सबने आपको अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन उससे आपकी प्रवृत्ति, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व वो तो नहीं बदल जा रहा है। आप एक मनुष्य के तौर पर वही के वही हैं, है ना। तो हमारे भाषा में भी हमें कुछ ऐसा ही दिया गया है। ऊपर दिए गए चित्रों को हम नीचे दिए गए किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, क्यों? सभी का समान अर्थ होगा। देखिए पुस्तक में हमें एक चित्र, उसके अलग अलग नाम, और उन्होंने क्या कहा कि हम उन्हें उन अलग नामों से पुकार सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम से पुकारने के बाद भी उसका अर्थ वही रहेगा। किसी भी नाम से पुकारने पर अर्थ में अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये शब्द एक दूसरे के समान
दोनों में समानता है तो फिर दोनों एक जैसे ही कहलाते हैं, दोनों के लिए हमने एक ही शब्द प्रयोग किया। उसी तरह से अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के लिए अगर आप अलग अलग नाम भी लेते हैं लेकिन अगर उनका अर्थ एक समान है तो उसकी जगह हम दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे जो शब्द होते हैं ना जो किसी के विकल्प में आते हैं और बिल्कुल समान अर्थ देते हैं, एक्यूरेट एज इट इज, वो वैसा का वैसा ही फीलिंग या वैसा ही मीनिंग देते हैं, तो इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। वाची मतलब बोलना और पर्याय मतलब उसके विकल्प में, शब्द के विकल्प में या शब्द के स्थान पर उसके ही जैसा वाला शब्द कहना या समान अर्थी, समान अर्थ देने वाला शब्द, किसी शब्द के समान अर्थ देने वाला शब्द उसी की जगह प्रयोग करना जो होता है वो होता है समानार्थी शब्द। सबको क्लियर हो गया? अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जस्ट, मैंने कहा ना, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, है ना। मम्मी क्या कहती है? प्यारा बेटा। दादू कहते हैं सुना बेटा। दादी कहती है मेरा लड्डू गोपाल, है ना। दोस्त कहते हैं अक्षु और बाकी जो है वो सब पूरा नाम लेते हैं। तो आपके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन आप एक ही व्यक्ति हो तो आपके वो जितने नाम है वो सब एक जैसा अर्थ देते हैं, तो वो सारे नाम क्या हो गए? आपके समानार्थी हो गए हैं, है ना। चलिए, हमें यहाँ पर परिभाषा दी गई है बहुत सरल सी, परिभाषा में हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें। समान अर्थ देने वाले या का बोध कराने वाले, कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंग्लिश में आप इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? सिनोमिस, है ना। और आपको बहुत जल्दी से याद हो भी जाता है, तो इस परिभाषा को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए बेटा। हमें यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें समझना है और याद करना है। जैसे नॉर्मल आकाश है उसको आप नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, आसमान भी बोल देते हैं, तो वो जो आपके सिर के ऊपर नीले नीले रंग का सुंदर सा छाया हुआ है वो बदल नहीं जाता है, वो वही रहता है। उसी तरह से पानी, पानी को आप जल कहते हैं, सलील भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर भी कह देते हैं, तो क्या वो बदल जाता है? वो जो पारदर्शी सफेद रंग का है, लिक्विड है, जिससे हमारी प्यास बुझती है, जिससे हम अलग अलग तरह के पेय पदार्थ बना सकते हैं, तो आपने उसके लिए नाम कुछ भी प्रयोग किया। जैसे सिंपली आप अपनी मम्मा को क्या कहते हैं? माँ। कोई माता कहता होगा। किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? अम्मी कहते हैं। किसी दूसरी भाषा में उन्हें और क्या कह सकते हैं, सोचिए। तो आप उनको अलग अलग शब्दों से, अलग अलग नामों से यदि पुकारते भी हैं, माई कहो, जननी कहो, धात्री कहो, जन्मदात्री कहो, जन्मदायिनी कहो, है तो वो एक ही व्यक्ति, ठीक है ना। जैसे घर, घर को कोई आलय बोलता है, कोई निवास बोलता है, कोई सदन भी बोलता है। आपने देखा होगा जिनके घर बने होते हैं वहाँ ऊपर वो नेम प्लेट पे अपने अपने जो भी प्रिय व्यक्ति तो उनके नाम से फिर लिखवाते हैं कि राधा कुंज भवन, है ना, या फिर पिता निवास, जो भी नाम होता है उसके पीछे वो या तो आलय, निवास या सदन, कुछ ऐसा ही शब्द प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वो घर होता है। एक होता है पृथ्वी,
ये जिस पर हम रहते हैं इसे आप लोग वसुंधरा भी कहते हैं, है ना, अवनी भी कहते हैं, मेदिनी भी कहते हैं, जमीन, भूमि, भू, धरा, कुछ भी कह लेते हैं। जैसे पर्वत, पर्वत को हम पहाड़ भी कहते हैं, है ना, और शैल भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, लेकिन वो रहता वही है, वो ऊंचा सा जो पूरा चट्टानों से बना हुआ है। ऐसे पक्षी, पक्षी को आप और क्या बोलते हैं, सोचिए, पंछी भी कहते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि पंख वाला है तो उसे पखेरु भी कहते हैं, खग भी कहते हैं। रात, निशा, रजनी, रैन, हम कुछ भी कह सकते हैं। उसी तरह से पुत्र, पुत्र को आप बेटा भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं, लाल शब्द भी उसके लिए प्रयोग करते हैं। सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कह देते हैं, रवि भी कह देते हैं, भानु, भास्कर, ये सब उसके अलग-अलग नाम है, लेकिन है वो वही, वो जो ऊपर आसमान में सफेद चमक रहा है, जिसमें से बहुत तेज किरणें निकलती हैं, गर्मी देता है। उसी तरह से जैसे आपके वस्त्र है ना, वस्त्र को हम वस्त्र भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं। तो एक ही अगर वस्तु है या एक जैसा ही अर्थ देने वाला अगर अलग अलग शब्द हो तो वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अब चूंकि हमारा पाठ बहुत छोटा है तो हम इसके अभ्यास प्रश्न आरंभ कर देते हैं। सभी बच्चे अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और पेंसिल के साथ में हम अपनी पुस्तक में ही लेखन का कार्य आरंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का है बेटा, सही विकल्प में क वाला देखिए हमें दिया गया है, घर का पर्यायवाची। घर का पर्यायवाची होता है सदन। सदन को टिक कर लीजिए। घ, वन का पर्यायवाची जंगल, पवन या कर, तो उसका पर्यायवाची होता है जंगल। जंगल को टिक कर दीजिए। फिर हमें मित्र शब्द का पर्यायवाची लिखना है बेटा। भानु, वसुधा या मित्र। भानु यानी सूर्य होता है, वसुधा यानी कि धरती होती है, लेकिन मित्र यानी कि हमारा मित्र, तो उसे सही का निशान लगा दीजिए। घ वाला देखिए बेटा, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा, पावक या सुरेश। पावक का मतलब होता है अग्नि, सुरेश मतलब राजाओं में जो श्रेष्ठ होते हैं, तो हमारा सही विकल्प है वसुधा। वसुधा के ऊपर सही का निशान कर दीजिए। अंग वाला देखिए, अग्नि का पर्यायवाची सुमन तो नहीं हो सकता, सुमन यानी कि फूल होता है, भूपति मतलब कि राजा होता है, लेकिन अनल, अनल यानी कि आग होता है बेटा, ठीक है, उसे सही का निशान लगा दीजिए। इसके पश्चात हमें कुछ शब्द दिए और उनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं बेटा। जैसे कि पहला दिया है आपको आकाश, तो आकाश के दो पर्यायवाची हम कौन से लिख देंगे, देखिए, एक होता है नभ और दूसरा होता है गगन, है ना, नील गगन में, कई बार आपने ये शब्द सुना भी होगा। पेज पलटा लीजिए सभी। ख नंबर पर देखिए हमें दिया है कमल बेटा, है ना, कमल को एक तो कहते हैं जलज, जल में रहने वाला या जल में पैदा होने वाला, और उसे पंकज भी कहते हैं। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ के बीच में रहता है वो, उगता है ना, इसलिए उसे पंकज भी कहते हैं। ग नंबर पर हमें दिया गया है बेटा कपड़ा। कपड़ा का हमें पर्यायवाची लिखना है, क्योंकि हम पुस्तक में लिख रहे हैं तो हम अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करेंगे। कपड़ा का एक पर्यायवाची होता है वस्त्र, ठीक है, और दूसरा होता है, देखिए आपको दिया है पट या वसन, दो में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। वसन, घ वाला शब्द दिया है घर, घ से घर,
पक्षी, पक्षी को कहते हैं खग, और विहग भी कहते हैं। हम पखेरू लिख रहे हैं, आप चाहे तो पंछी भी लिख सकते हैं, है ना। फिर है लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी? वो जो धन वाली होती है ना, वे वाली। तो उनका एक नाम होता है कमला, और बहुत सारा शब्दों में उसे श्री भी कहते हैं, ठीक है। अंतिम शब्द दिया है हमें रात, तो रात को रजनी भी कहते हैं, और नॉर्मली आप लोग उसे रात्रि भी कहते हैं, है ना, रात्रि काल है। तो आप जल्दी से इन शब्दों को लिख लीजिए, इसके बाद हम अपना अगला वाला अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न तीन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं बेटा, है ना। अब इन चित्रों को एक तो हमें पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है, और उसके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला वाला हम चित्र पहचानते हैं, देखिए, हो सकता है सभी व्यक्ति की जो है वो उसे गैस करने में अलग अलग तरह से गैस करें, बट कुछ चीजें हमें बहुत क्लियर है। जैसे ये हमारी, देखिए, नदी है बेटा, है ना, दिखाई दिया, ये नदी है। फिर ये जो है ये पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, धरती दिखाई दे रही है, पृथ्वी, हाँ। फिर ये क्या है, हमारा वृक्ष है, है ना। ये नीचे स्पष्ट हमें दिख रहा है कि ये अग्नि है। आपको ये वाला जो चित्र दिया, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो किले जैसा दिख रहा है, कोई कहेगा मैम ये घर है, कोई कहेगा मैम ये तो कोई सा स्मारक है। लेकिन चूंकि बेटा घर नॉर्मली हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है, है ना, तो ये आपका क्या है, जो भवन होता है, राजा का महल कुछ इसी तरह का होता है, या नॉर्मली इसे हम किला कहते हैं, ठीक है। तो हम इन शब्दों को इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। पहला जो है वो है नदी। अब नदी का ही पर्यायवाची हम लिख देते हैं यहां पर, सरिता, और उसी का दूसरा लिख देते हैं तटीय, तटों को बांधकर रखने वाली। ख वाला हमने लिया है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। तो पृथ्वी के लिए हम क्या लिख देते हैं, वसुंधरा, वसुंधरा। और क्या लिख देंगे, एक और अग्नि लिख दीजिए, अग्नि का अर्थ भी वही होता है। फिर ग नंबर पर हम ले रहे हैं अपने वृक्ष को, है ना, वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची होता है बेटा पेड़, या उसे हम तरु भी कहते हैं। घ नंबर पर देखिए अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोग सबसे पहले उसे आग कहते हैं, हम उसे अग्नि कहते हैं, और कुछ लोग उसे अनल भी कहते हैं, ठीक है। फिर अंग वाला देखिए, वह है आपका किला, ठीक है। किला को हम और दूसरा नाम से दुर्ग भी कह सकते हैं, या आप उसे गढ़ भी कह सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे ये कहें कि मैम ये भवन है, तो भवन के लिए भी हमारे पास अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आप उसे राजगृह भी कह सकते हैं, महल भी कह सकते हैं, या राजभवन भी कह सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी कहा चित्र को देखकर अलग अलग व्यक्तियों की राय अलग अलग हो सकती है, हो सकता है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो हमें जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने उसका नाम वही रखा है, और उसके पर्यायवाची शब्द भी वही लिखे हैं, है ना बेटा। इसके बाद में हमारा देखिए अगला अभ्यास प्रश्न कौन सा दिया गया है हमें,
मिलान करना है बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, पहला दिया है अमृत, फिर है नदी, राजा, हवा, पानी और फूल, ठीक है। अब हमें दूसरी तरफ जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हम जो सही शब्द है बेटा उसे उसके सामने लिख रहे हैं। आप चाहें तो उसके पीछे नंबर डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज पेंसिल के द्वारा इस तरह मिलाकर पुस्तक को गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि सही मिलान करने का ये सही तरीका नहीं होता है, है ना। सही तरीका ये है कि या तो आप उसका सही शब्द उसके सामने लिख दीजिए, और या तो फिर आप उन शब्दों के पीछे आपको जो वाई और प्रश्न वाले शब्द दिए उनके अंक डाल दीजिए बेटा, ठीक है। तो अमृत को हम लोग कहते हैं सुधा, अमृत को सुधा से मिलान कर दीजिए। नदी जो है उसे हम किससे मिला देंगे, सरिता से, क्योंकि वो उसका पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची है नृप, क्या है नृप। हवा का पर्यायवाची होता है समीर, सुना है कभी, हाँ समीर यानी भी हवा ही होता है। पानी का सबसे सरल आपको पर्यायवाची दिया है जल, ठीक है। और फूल का पर्यायवाची होता है बेटा कुसुम, ओके। अब इसके बाद में एक अंतिम हमें अभ्यास प्रश्न दिया है जिसमें कि हमें एक शब्द दिया गया है, उसके सामने उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं 2 से 3 अलग अलग। उन शब्दों में से उसका जो सही समानार्थी है उसको हमें गोला लगाना है। तो हम इस कार्य को यहां से हटा रहे हैं, देखिए बेटा। अभ्यास प्रश्न 5 आपके सामने 3 शब्द दिए हैं, अब उन 3 शब्दों में से एक है अनल, एक होता है अनिल और एक होता है पावन। तो अनिल का मतलब हवा होता है बेटा, और पावन यानी कि पवित्र। तो ये दोनों शब्द जो है वो आपके पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा सही शब्द हम किसको गोला बनाएंगे, अनल को। इस तरह से गोला कर दीजिए। फिर है हमारा ख वाला शब्द, देखिए बेटा फूल, फूल के सामने भी आपको 3 शब्द दिए हैं, सुमन, सरिता और जलज। सरिता का मतलब होता है नदी, जलज यानी कि कमल। तो ये दोनों तो हमारे फूल के पर्यायवाची नहीं है। आप बोलेंगे मैम कमल तो हो सकता है, नहीं, जलज यानी कि एक स्पेशल फूल का नाम, और यह फूल मतलब सभी तरह के, तो उसका सही पर्यायवाची है सुमन। सुमन के ऊपर इस तरह से घेरा लगा दीजिए। ग वाला देखिए बेटा, पर्वत, पर्वत के सामने भी 3 शब्द दिए हैं, पताका, नाग और शैल। पताका यानी कि ध्वज को कहते हैं, वो जो ऊपर लहराता रहता है, नाग यानी कि सर्प और शैल यानी कि पर्वत। तो इस शब्द पर इस तरह से घेरा लगा दीजिए। अंतिम शब्द है पुत्र बेटा, इसमें आपको दिया है मित्र, तनय और लाल, है ना। अब हम कहेंगे कि मैम यहां पर तो अगर पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से देखें तो 2 पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, मित्र तो नहीं हो सकता है क्योंकि मित्र का मतलब होता है सखा या मित्र, लेकिन तनय भी जो है वो पुत्र का ही पर्यायवाची है, और लाल जो है वह भी उसका ही पर्यायवाची आ रहा है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि वो हो सकता है तो उस पर भी हम गोला लगाएंगे, लेकिन यहाँ लाल जो है बेटा वो हमें
तरह से क्लियरिटी के साथ में अपने पुस्तक में कीजिएगा, और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपने इस ग्रामर वाले वर्ब को दोहराते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिएगा। आज के लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू। स्टे इन योर होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।